हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो कि कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि कॉल रिकॉर्डिंग किया हुआ वो कहाँ जाता है और उसको कैसे सुन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायल पैड में जाना होगा। डायल पैड में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नंबर को डायल कर लेता हूँ और आपको सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। ये कस्टमर केयर का नंबर है और आप इसकी जगह कोई और भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। इसको बंद करना चाहते हैं बंद हो जाएगा, इसको कट भी करना चाहते हो तो कट देंगे तो उसके साथ ही ये बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कॉल रिकॉर्डिंग जो था जो कि हो चुका है। और कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको सुनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले आई वाले बटन पे क्लिक करना होगा। और इस पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये मैसेज बॉक्स ऑन हो गया। डायल पैड में जाएंगे तो आपको इस पे प्ले पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। वापस से अगर सुनना हो तो इस पर ये माइक जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको प्ले कर देना है। इसको वापस से हटाना हो तो इसको इस पर क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।